अब आपको यहाँ पता है छुट्टी के रोज ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने नाश्ते के लिए नारकली का रुख किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नताशा रहमान वहां पे मौजूद है, हमसे मजीद जानेंगे। जी नताशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। रोज़ और लाहौरी रवायती नाश्ते के लिए घरों से बाहर ना निकलें, ये तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली में, जहाँ जिंदा दिनाने लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर हमें नाश्ता करती नज़र आ रही है। कोई यहाँ पर नान चने खा रहा है तो कोई यहाँ पर बोंग पाए खा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। बताइएगा, छुट्टी का रोज़ है, नाश्ता करने बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सुबह से हम निकले हैं, आउटिंग की है, बाई लारेंस में वर्कशॉप की है, अभी इधर नाश्ता करने आए हैं, गपशप लगा रहे हैं संडे के। बाकी पूरा वीक तो काम में गुजर जाता है, इसलिए संडे को हम इधर, हर संडे को हम कहीं ना कहीं हमारा शुगर होता है, मिलके बैठ के नाश्ता करते हैं। कुछ और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, आप मुझे बताइएगा, नाश्ता करने बाहर आए हैं, ऑर्डर दे दिया या अभी नाश्ता कर लिया? हमने नाश्ता कर लिया है माशाल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, अभी चाय शाय पी है, उसके अलावा बैठे हैं गपशप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने नाश्ते में क्या खाया है? हमने मगज़ खाया आज, बोंग पाए खाए हैं साथ। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि इन्होंने बोंग खाई है, मक्स खाया है, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौरी जो हैं वो ख्वाबों के लिहाज से वैसे ही पहचाने जाते हैं और ख्वाबों के लिहाज से मशहूर भी हैं। तो ऐसे में जिंदा दिलाने लाहौरी जो हैं सुबह सुबह घरों से बाहर निकले हुए हैं, नाश्ता किया जा रहा है। यहाँ पर फैमिलीज़ की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पर 200 के हमरा आए हुए हैं, नाश्ता किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम दुकानदारों की बात करें तो इतवार के रोज़ दुकानदारों की भी जो है वो चांदी हो जाती है। जी,